अक्सर किन्नरों में अपने क्षेत्र में बाहरी किन्नरों द्वारा दक्षिणा मांगने पर विवाद होता आया है। ऐसा ही एक मामला फतेहाबाद के टोहाना से सामने आया है, जहां पंजाब के किन्नर का टोहाना में दक्षिणा मांगने को लेकर विवाद हो गया है। टोहाना के किन्नरों ने बताया कि पंजाब के किन्नर गुंडा किस्म के हैं, जो गुंडागर्दी करते हुए टोहाना में नाजायज तौर पर दक्षिणा मांगते हैं, जो कि उनका अधिकार नहीं है, और जब उनको रोका जाता है तो गुंडागर्दी करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। किन्नरों ने बताया कि इससे पहले पंजाब के किन्नरों ने उन पर जानलेवा हमला किया था। हमारा इलाके का लड़ाई चल रही है, इलाके के पीछे हमारा कुला का एरिया है और टवाणा का एरिया है, वो जाखल वाले पंजाब वाले धक्के से मांग रहे हैं गुंडागर्दी से। उन्होंने पहले भी हमारे बड़े गुरुओं के साथ गुंडागर्दी करी, उनके चक्कू मरवाए और कान का फटदा फट गया, उनका ऑपरेशन में बहुत बड़ा बुजुर्ग इंसान थे वो, 8-9 साल पहले की बात है ये। और अब फिर दोबारा फिर वो इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब मेरे दादगुरु ने हमको इलाका मांगने के लिए बोला है, हम अपना इलाका मांग रहे हैं और अभी भी वो गुंडागर्दी से हमें धमकियां दे रहे हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जान माल का खतरा है, हमारी रक्षा की जाए। वो आपके साथ जो मदन है वो आपको क्या कहते हैं? मदन है, एक मदन संतोष, एक पूजा पूजा है। वो आपको क्या कहते हैं? वो मांगते हैं इलाके में आते हैं हमारे, हमको देते धमकी वो मारने की, तुझे मरवा देंगे, करवा देंगे। उन्होंने पहले भी कांड किया हमारे साथ। हम हमारे इलाके में जाते हैं, हमारे में मेरे में पड़ता है टोहाना, टोहाना के गांव और कुला कुला के गांव। जब मैं कुला के गांव में जाती हूँ या टोहाना के गांव में जाती हूँ, मतलब जो मेरे रसिया रोड पे गांव है, ठीक है ना, उनमें जाती हूँ तो एक मदन ही जड़ा है, ठीक है ना, वो हमें तंग करता है और धमकियाँ देता है, 2 नंबर के असले भी रखता है वो, ठीक है ना, और नाले लाठी डंडे वाले मुंडे रखता है वो। हाँ ठीक है, हमें उनसे खतरा है, ठीक है ना, हम जाते हैं, जब वो वही धमकियाँ देता है कि जो हमारे गांव में आएगी तो गोली से मरवा दूंगा। आपके पास फोन आया है कि क्या है जी? नहीं, हम गांव में जाते हैं तो वो सरेआम ही बताता है, वो सरेआम ही कहता है वो। पहले आपने एप्लीकेशन कहाँ दी जी? पहले हमने टोहाना दी थी, सदर में हमारी सही, मतलब कि वो ही फैसला हुआ सही, उसने नहीं माना वो, फिर उसने कोला में बुलवा लिया, हम कोला में बुलवाए तो नहीं, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई, कोला में सुनवाई नहीं हुई, टोहाने के अंदर हमारी सुनवाई हुई, ठीक है। वो कहने लगे भाई तुम मांगो, ठीक है ना। अब वो जब हम उधर जाते हैं कोला की तरफ भी, मेरे टोहाने के गांव हैं तो उनमें भी जाती हूँ, जब भी वो धमकी देता है हमें मारने की। आप किसके पास आए आज? हाँ जी, आज किसके पास आए? आज हम SP साहब से मिलने आए हैं कि हमारे, सो देखो हम कोला के गांव के, हमारा झगड़ा है, हम टोहाने के गांव में भी जाते, जब भी हमें तकलीफ धमकी देता है वो, जो मेरे टोहाने के, जो टोहाने में सदर में लगते हैं उनमें तो मैं जाऊँगी, कोला के में भी जाऊँगी, ठीक है ना। जब मेरे गुरुओं ने मेरे को लिख के दे रखा है तो फिर मैंने तो मांगना बाबू जी, ठीक है ना, वो है पंजाब का ही जड़ा, पंजाब जाके मांगे, हमारे हरियाणा में क्या करता बाबू। तो चौकी इंचार्ज ने भी कोई ऐसी वैसी आपके साथ कोई बदतमीजी करी? उसने, चौकी इंचार्ज ने करी बदतमीजी, उनको अंदर बिठाया और हमें बोले तुम बाहर चलो, धक्का धक्के मार मार के, ठीक है ना। हाँ, और जो मेरे पंचायत के मेंबर गए थे, गल्ला साथ में गए थे, उनको भी ये बोला कि मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम बाहर जाओ। कितने लोगों के साथ बदतमीजी करी? हम सारे चेले नाती थे और मैं थी और मेरे साथ जो 2-4 बंदे थे पंचायती, उनको भी वो बोले मैं मंगवाऊंगा इलाका, तुम बोले तुम मांग के दिखाइयो, उसने ये बात भी कही। बहरहाल हरियाणा के किन्नरों ने पंजाब के किन्नरों के खिलाफ फतेहाबाद के SP राजेश कुमार को शिकायत दी है और पंजाब के किन्नरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि वर्ष 1962 में किन्नर समाज की एक बैठक में स्पष्ट फैसला हुआ था कि पंजाब के किन्नर पंजाब इलाके में ही दक्षिणा एकत्रित करेंगे और हरियाणा के किन्नर हरियाणा इलाके में ही दक्षिणा एकत्रित करेंगे। फतेहाबाद से राजेश भांबू की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।